गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास है LKG। इसमें वर्कशीट सॉल्यूशन करेंगे 5, 6 और पार्ट है इसका 3। ठीक है, वर्कशीट 1, 2, 3, 4 ये तो हो चुके हैं। अब आज करेंगे वर्कशीट सॉल्यूशन 5 और 6। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, इस वर्कशीट 5, 6 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है लर्न एंड राइट स्मॉल लेटर्स A to Z। आपको इसमें क्या करना है, स्मॉल लेटर्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका स्मॉल लेटर्स A to Z। तो आपको स्मॉल लेटर लिखनी है A to Z। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है A, ठीक है, उसके बाद में B, फिर क्या आता है C, उसके बाद में D। इस तरह से आपको स्मॉल लेटर बनाने हैं। E, F, F आप इस तरह से बना सकते हो F, उसके बाद में G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R आपको इस तरह से बनाना है। देखो, R एक ऐसे करके ऐसे, फिर बाद में ऐसे करोगे। और S बनाने के लिए ये पहचानोगे R को और S को। देखो, S को किस तरह से बनाना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये बन गया S। T U V W X Y और ये है Z। अब देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं। ये देखो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये हो गए आपके स्मॉल लेटर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपको इसको क्या करना है, ऑर्डर में लिखना है। पुट इट इन ऑर्डर। देखो किस तरह से, जो स्मॉल लेटर है इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे। ये देखो, पुट इट इन ऑर्डर। तो देखो, जैसे लिखा हुआ है CEADB, CEAD और ये है B। अब देखो, इसे पहचानने के लिए आपको बताया था कि ये जो है B है, ठीक है। तो ये कैसे पहचानोगे, क्योंकि इसमें देखो B कैपिटल वाला ऐसे लिखते हैं, ये तो सभी को ही पता है, और स्मॉल लेटर वाला इसमें इतना आप इरेज कर दोगे तो ये स्मॉल लेटर का B होगा, और इससे जो उल्टा होगा वो ये क्या होगा, D। B को पहचान लोगे तो फिर D भी अपने आप पहचान में आ जाएगा। तो देखो, इसमें इसका जो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, इसका जो सही जो इसका क्रम होगा वो क्या होगा, A है ना, उसके बाद में B C D और ये E, ठीक है, ये होगा इसका सही क्रम। नंबर 2, ये है नंबर 1। नंबर 2 देखो, K N M O और L, इसका सही क्रम। इसका सही क्रम क्या होगा, ये होगा K L M N और O, ये होगा ना इसका सही क्रम। नंबर 3, नंबर 3 देखो, S U T W और ये है V। अब बताओ इसका जो सही क्रम है वो क्या होगा, S T U V और ये है W। तो ये इसका सही क्रम है। अब देखो नंबर 4 देख लेते हैं। G H
एफ जे आई। तो इसका सही क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले एफ आएगा, एफ, उसके बाद में जी, फिर एच, फिर आई और उसके बाद में जे। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे आपको, जो इनका सही क्रम है वो इनको इसमें लिखना है, पुट इट इन ऑर्डर। ये क्वेश्चन नंबर टू आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या करना है, कलर्स नेम लिखने हैं। राइट कलर्स नेम। देखो सेवन कलर्स नेम लिखाते हैं आपको, इन्हें लर्न करना है आपको। देखो सबसे पहले लिखेंगे कौन सा कलर, रेड कलर, आर ई डी रेड। रेड मीन्स क्या होता है, लाल, क्योंकि आपने अब आपने कैपिटल लेटर भी सीख लिया और स्मॉल लेटर भी सीख लिया है, तो ये हो गया रेड। ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल और बाकी जो होंगे ये स्मॉल लेटर में लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल और वो जो भी जितने भी होंगे बाकी के वो कैसे लिखोगे, स्मॉल लेटर में लिखोगे। अब सेकंड लिखोगे पी आई एन के, पिंक, पिंक मीन्स क्या होता है, गुलाबी। थर्ड नंबर, थर्ड है बी एल यू ई ब्लू, ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला। फिर लिखोगे जी आर डबल ई एन ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। फाइव है डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट, वाइट मीन्स क्या होता है, सफ़ेद। सिक्स नंबर बी एल ए सी के ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला। और एक और लिखाते हैं आपको वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू। तो ये हो गए आपके सेवन कलर्स। ठीक है, रेड मीन्स क्या होता है, लाल, पिंक मीन्स गुलाबी, ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला, ग्रीन, ग्रीन क्या होती है, वेजिटेबल्स ग्रीन होती हैं, प्लांट्स ग्रीन होते हैं, वाइट, ब्लैक और येलो। तो ये जो हैं आपको कलर्स क्या करने हैं, लर्न करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर है फोर। अब क्वेश्चन नंबर फोर जो है इसमें आपको क्या करना है, इसका स्मॉल लेटर लिखना है। कैपिटल लेटर आपका दिया हुआ है और आपको इसमें क्या करना है बच्चों, स्मॉल लेटर लिखना है इसका। देखो राइट स्मॉल लेटर, अब देखो कोई भी आपको कैपिटल लेटर लिख कर दे दें तो आप इसका स्मॉल लेटर लिख सकते हो ना। जैसे नंबर वन एफ, एफ, तो एफ को आप स्मॉल लेटर में किस तरह से लिखते हो, इस तरह से लिखते हो ना। उसके बाद में एम, एम को स्मॉल लेटर में किस तरह से लिखते हो, इस तरह से लिखते हो। नंबर थ्री है जी, जी को स्मॉल लेटर में इस तरह से लिखते हो। नंबर फोर ए, तो ए को स्मॉल लेटर में किस तरह से लिखते हो, ऐसे लिखते हो। और उसके बाद में आता है फाइव नंबर बी, तो बी को स्मॉल लेटर में इस तरह से लिखते हो। ठीक है, और डी को किस तरह से लिखते हैं, डी को इसका उल्टा, ये हो गया डी। तो ये हो गया आपका स्मॉल लेटर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका लर्न एंड राइट स्पेलिंग्स ए टू जेड। देखो आपके स्मॉल लेटर जो है ये पूरे हो चुके हैं, आपके सिखा दिए हैं आपको। अब आपको लिखने हैं लर्न एंड राइट स्पेलिंग्स ए टू जे, लर्न एंड राइट स्पेलिंग्स ए टू जे। अब देखो ए, ए से क्या होता है, एप्पल, ए डबल पी एल ई, ए फॉर एप्पल। ठीक है, उसके बाद में नंबर टू थ्री, देखो बी सी डी ई एफ जी एच आई और ये है जे। ठीक है, अब हम लिखते हैं स्पेलिंग्स इनकी, ए डबल पी एल ई एप्पल,
तो बी वाली स्पेलिंग क्या लिखें? बी ए डबल एल बॉल भी लिख सकते हो, बी ओ वाई बॉय भी लिख सकते हो, बी ओ वाई बॉय भी लिख सकते हो। सी फॉर कैट, सी ए टी कैट हो गया। आपको बताया था पहला अक्षर कैपिटल और बाकी के जो भी हैं वो स्मॉल लेटर। उसके बाद में डी ओ डबल एल डॉल, डॉल मीन्स क्या होती है? गुड़िया। ई, ई से क्या लिखेंगे? ई डबल जी एग। एफ, एफ से क्या लिखेंगे? एफ आई एस एच फिश। जी से जी आई आर एल गर्ल। एस से क्या लिखेंगे? एच फॉर हैन, एच ई एन हैन। आई से क्या लिखेंगे? आई एन के पी ओ टी इन पॉट। जे से क्या लिखे हम? जे से जग भी लिख सकते हो, जे यू जी जग, जोकर भी लिख सकते हो। तो ये आपका जो स्पेलिंग्स है ए टू जे आपको क्या करनी है? लर्न करनी है और अपनी नोटबुक में इसी तरह से लिखनी है। अब देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये क्या है। क्या दिख रहा है आपको? ये एप्पल दिख रहा है क्या? एप्पल किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है ना एप्पल, रेड रेड एप्पल होता है। और ये क्या दिख रहा है? ये है बॉल, ठीक है, बी ए डबल एल बॉल। तो हमें इनकी क्या लिखनी है? स्पेलिंग्स लिखनी है। तो एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? एप्पल की स्पेलिंग, एप्पल देखकर आप एप्पल की स्पेलिंग बता सकते हो ना, ए उसके बाद में स्मॉल लेटर में लिखेंगे डबल पी एल ई, ये हो गई एप्पल की स्पेलिंग, ठीक है। अच्छा है ना एप्पल? एप्पल आपको खाना चाहिए, रोज़ खाया करो एप्पल, ठीक है। एप्पल खाने से क्या होता है? हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। अब देखो बॉल, बी ए डबल एल, बी ए डबल एल बॉल। इसमें भी इसी तरह से लिखा है हमने, पहला अक्षर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी के जो लेटर है वो स्मॉल लेटर के। तो ये क्या है? आपको कोई भी आप देखते हो चीज़, आपको इसकी स्पेलिंग बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जितना भी कराया है आपको क्या करना है? नोटबुक में नोट करना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है, सुंदर सुंदर एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।